तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज का वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है कहता है कि क्या, हमें विश्वास रखना है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। ये आज हम देखेंगे विश्वास के जो है सीढ़ियां, विश्वास की सीढ़ियां। हालेलुया। इस दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं, एक ऐसे हैं जो विश्वासी हैं और एक ऐसे हैं जो अविश्वासी। अविश्वासी, विश्वासी और अविश्वासी। विश्वासी मतलब वो लोग कि जिनके पास जो है पूरा भरोसा है कि प्रभु मुझे संभालेगा। नमिता बहन ने अपने बेटे को बाइबल कॉलेज में भेजा इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमको खिलाएगा, हमको चलाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यस। मैंने अब्राहम पास्टर को जो है बाइबल कॉलेज भेजा विश्वास के साथ कि इसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आज सब लोग गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं, कोई बड़ा बिजनेस देखते हैं कि वही मैं कर लूं, भैया मैं ये कर लूं तो उससे जो है जान बच जाएगी, कौन पादरी बने, कौन क्या बने। लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री जो है वो विश्वास की मिनिस्ट्री है। हालेलुया। हमारी फेथ मिनिस्ट्री है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर विश्वास से अपने लोगों को खिलाता है, पिलाता है। हालेलुया। इसलिए जो है हम बाइबल कॉलेज जाते हैं क्योंकि हमने प्रभु पर भरोसा किया है। हालेलुया। यस। लेकिन ऐसे लोग हैं जो है उनको अगर हम बोलेंगे बाइबल कॉलेज जाओ तो वो लोग कहेंगे क्या यार पागलपन लग गया इनको, अरे पैसा कमाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, क्या बाइबल कॉलेज वगैरह कर रखा है तुम लोगों ने। तो उन वो अविश्वासी लोग हैं, उनके पास कोई विश्वास नहीं कि परमेश्वर उनको खिला सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो वो है जो अपने लोगों को हालेलुया कौवे के द्वारा भी खिला सकता है और अपने लोगों को बचा सकता है। हालेलुया। मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय कर लिया और प्रभु ने मुझे कभी जो है नीचे होने नहीं दिया, प्रभु ने मुझे ऊपर ही ऊपर दिया। प्रभु ने मुझे इतने सुंदर और इतने अच्छे लोग दिए जो मेरे साथ खड़े होते हैं और मेरे विश्वास की सेवकाई में मेरा साथ देते हैं और उसका प्रतिफल भी ये लोग जरूर पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि अविश्वासी लोग, अविश्वासी मतलब जिनके पास थोड़ा भी विश्वास नहीं है, कुछ भी विश्वास नहीं है। और बाइबल में जो है ऐसे अविश्वासी लोगों के बारे में क्या लिखा है, तो जो है अविश्वासी लोग पढ़े आज हम देखेंगे। पहली बात मत्ती 17 अध्याय का 14 वचन से देखा, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है और उसको तेरे चेलों और मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु परमेश्वर उनको एक प्रश्न पूछता है, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। तो ये ऐसे जाति के लोग हैं कि जो अविश्वासी और हटीले। आज हम देखते हैं कि बाइबल जो है किसी की भी जात पात नहीं देखती, कौन किसके जात के हैं, कौन सी किस धर्म के हैं या किस जो है मूल के हैं, किसी वंश के हैं, कभी नहीं देखती। बाइबल लोगों को देखती है कि वो किस, उनके काम कैसे हैं। वो प्रभु ऐसे लोगों को जो हट करते हैं प्रभु उनको बोलता है हे हटीले लोगों। ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं उनको प्रभु कहता है अविश्वासी लोगों। प्रभु यहां पे उनको डांटता है और प्रश्न पूछता है कि हे अविश्वासी और हटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। मतलब प्रभु यहां पे उन लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहता। प्रभु कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा भैया, और कब तक तुम्हारी सहूंगा, कितने चमत्कार मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं लेकिन तुम विश्वास कर ही नहीं रहे हो, हट करते हो। यह हट का आत्मा होता है,
बच्चों के जीवन में हट, इतने हटीले होते हैं, मुझे ये चाहिए, टॉफी चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, टॉफी चाहिए, फिर ये खाना चाहिए, मतलब ये खाना चाहिए, फिर माँ बाप बेचारे ऐसे कोई बात नहीं ले रहे, नहीं मैंने खाना, और फिर बाद में उनको दिया जाता है, फिर वो लेते हैं बड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा समझ के ले रहा है। अरे क्या है ये, हटीलापन है, बच्चों को हटीलापन नहीं होना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता के अधीनता में रहना चाहिए, बच्चों को अपने बड़ों के अधीन होना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो है ये हटीलापन आगे बढ़ जाता है तो प्रभु उनको क्या उत्तर क्या कहता है, कौन से कैटेगरी में आते वो, हटीले हटीले लोग, अरे हटीले मतलब वो आगे बढ़ते हैं, मुझे यही चाहिए बस, फिर मुझे किसी से शादी करनी है, मैं किसी से शादी करूंगा नहीं, किसी से करूंगा तो इससे करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा मैं। अच्छा तो मर क्यों नहीं जाता भाई, करूंगा किसी से शादी करूंगा, ये हटीलापन है, इस हटीलेपन को अपने मन से निकालो। हम जो है समझौता करने वाले बने, अच्छी अच्छी व्यक्तियों के साथ, अच्छे प्रभु के वचन के साथ समझौता करो, हाँ प्रभु तेरा वचन अगर ऐसा कह रहा है तो मैं एकदम तैयार हूं प्रभु। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि हे अविश्वासी, अविश्वासी, उनको एकदम प्रभु एकदम लेबल लगा देता है, अविश्वासी एकदम लेबल लगाता है, हे हड्डी लोग, अरे बाप रे, और जो है प्रभु कहता है कि तुम्हारे साथ मैं कब रहूंगा, मतलब प्रभु भी उनके साथ रहना नहीं चाहता, और मैं कब तक तुम्हारे से होऊंगा, प्रभु भी उनके सहना नहीं चाहता। फिर बाद में प्रभु कहते हैं चलो ठीक है तुम मेरे पास लाओ, यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। फिर यहाँ पे चेले आते हैं, चेले, और चेले आके प्रभु कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम इसको क्यों नहीं निकाल सके, ये क्या इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है क्या, हम क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तब चेलों ने कान में यीशु के पास आके कहा हमें से क्यों नहीं निकाल सके, यीशु ने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। तो प्रभु कहता है कि हमारी विश्वास की घटी, जब हमारे अंदर विश्वास की घटी होती है हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते, हम बीमारी को नहीं निकाल सकते, हम जो है कोई भी काम हमारे नहीं हो सकता, क्यों, हमारी विश्वास की घटी, ये विश्वास की घटी के कारण अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तुम हे अविश्वासियों, ऐसा प्रभु नहीं कह रहा, प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारे पास विश्वास है ऐसी बात नहीं है लेकिन कम है। जिस प्रकार जैसे तुम्हें अभी जब एसी चलाना है, यहां पे कितने सुंदर लग रहा है एसी वगैरह, एसी चलाना है तो उसके लिए मोटी वायर देगी, और छोटा सा बल्ब लगाना है तो पतली वायर चलेगी, अब तुम पतली वायर से एसी चलाना चाहोगे तो फक हो जाएगी, स्पार्क हो जाए, वही चीज है, आपको कितना बड़ा चमत्कार चाहिए तो उतना बड़ा विश्वास भी आपका चाहिए, और उतना बड़ा विश्वास जब आपके अंदर होगा तो प्रभु काम करेगा। आजकल लोगों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, हम कहेंगे तुम विश्वास क्यों नहीं रख रहे, विश्वास क्यों नहीं बढ़ा रहे, विश्वास बढ़ा। मत्ती 13:58 में लिखा है और यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य काम नहीं किए। मत्ती 6:5 में लिखा है कि वहां कोई सामर्थ्य काम प्रवेश ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। आश्चर्य के कैसे प्रकार के लोग ये विश्वास नहीं रख सकते, विश्वास नहीं रख सकते, प्रभु से मांग रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बातें मांग रहे हैं, और विश्वास इतना सा भी नहीं रख सकते। हम विश्वासी लोग ज्यादातर विश्वास की बातें जब करना शुरू करेंगे ना, बड़े बड़े विश्वास की बातें करेंगे, लेकिन जब विश्वास को लागू करने का जब समय आता है, जब विश्वास को इस्तेमाल करने का समय जब आता है, तब हम जो है ठस सारी हवा निकल जाती है। हम विश्वासी लोग है ना तो हमें विश्वास बहुत बड़ा मजबूत होना चाहिए हमारा प्रियो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों, आज यीशु मसीह भी उन लोगों को कुछ कर नहीं सकता, उनके लिए चमत्कार नहीं कर सकता, उनको आशीष नहीं दे सकता, उन लोगों को जो उस पर विश्वास नहीं रखते, उनका अविश्वास।
और अविश्वास का ये बहुत बड़ा पाप है। ये मैं कहूंगा कि विश्वास ना करना, यहां तक कि ये जो है गलती प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो कोई चेले विश्वास कर रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं विश्वास करता है, ये क्या बोल रहा है, ये पतरस क्या बोल रहा है, क्या है ये मरियम क्या बोल रही है, नहीं। हम पढ़े उस वचन को, मरकुस 16 अध्याय का 9 वचन, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहले मरियम मग्दलीनी जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी दिखाई दिया, और उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। क्या समाचार दिया? हाँ, यीशु मसीह जी उठा है मसीहा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा गया, लिखा उन्होंने सुनकर कि वह जीवित है उससे देखा है प्रतीति ना की। उन्होंने विश्वास नहीं किया, भैया मेरा विश्वास नहीं, भैया मैं नहीं सोचता यीशु मसीह जीवित हुआ हुआ है। ये लोगों ने प्रतीति करना बंद कर दिया। 12 वचन, इसके बाद वो दूसरे रूप में उन दोनों को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया, और उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी उनकी प्रतीति ना की। यीशु मसीह जी उठा, मुझको देखा भैया, मैंने देखा, मैं नहीं विश्वास करता भैया। तोमा कह रहा मैं नहीं विश्वास करता, जब तक उसके हाथ में हाथ ना डालू, पंजर में हाथ ना डालू, मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारी बातों पर। तुम कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, मैं नहीं विश्वास करूंगा। ओ माय गॉड, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने भी उसकी प्रतीति नहीं करी। पीछे वो 11 को भी जो वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। जो लोग बता रहे थे प्रतीति नहीं की थी। थोमा को भी रात्रि में प्रभु पकड़ ही लेता है। थोमा को प्रभु कहता है 8 दिन के बाद, यूहन्ना 20:26, 8 दिन के बाद उसके चेहरे फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये अविश्वासी था, लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या बना दिया, विश्वासी। अब हे थोमा, तू अविश्वासी ना हो लेकिन तू विश्वासी हो। क्यों? क्योंकि तुझे इंडिया जाना है और प्रभु का प्रचार करना है कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, कि तू जाके लोगों को बताएगा, प्रभु प्रभु मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। थोमा कहता है, यीशु ने कहा, तूने जो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आज हम धन्य है थोमा से भी ज्यादा, क्योंकि हमने बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ये अविश्वास के बारे में बाइबल बताती है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, और ये अविश्वासियों के साथ हमें संबंध रखने के लिए मना किया है। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? देखा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति व अंधकार के साथ क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मतलब कोई नाता नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के जो है 16 वचन, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सब बाइबल में लिखा है, ये बाइबल की बातें मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। इसलिए असमान जुए में ना जुतो, असमान जीवन है। तो ये जो है अविश्वासी लोग जो है हमेशा उनको परमेश्वर पर जब भरोसा नहीं है तो हमेशा उल्टे उल्टे ही चलते हैं। अविश्वासी हमेशा उल्टे उल्टे चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है मतलब हमारे विश्वास के विरोध में चलेंगे। उल्टे उल्टे कहने का मतलब अपने विश्वास के विरोध में जाएंगे। वो उनको कितना भी आप समझाओ वो समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन विश्वास के विरोध में जाएंगे वो।
बाइबल में लिखा है कि यहूदी थे और यहूदी लोग भी परमेश्वर के विरोध में चले। बाइबल में लिखा कि उन्होंने विश्वास नहीं किया और विश्वास ना करने के कारण जो है परमेश्वर ने भी उनको दंड दिया। बाइबल में पढ़े इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 17 वचन, बाइबल में लिखा है और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथे जंगल में पड़ी रही? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अब एक संपूर्ण पीढ़ी थी वो, जो पीढ़ी की पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के विरोध में आई, पीढ़ी की पीढ़ी परमेश्वर पिता के विरोध में आई और वे मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे। इतना जबरदस्त बोलने लगे, बहुत जबरदस्त बोलने लगे। परमेश्वर ने उनको दंड दिया, परमेश्वर ने उनको दंड दिया, परमेश्वर ने उनको वो दंड दिया, वो दंड दिया। बाइबल में लिखा कि उनकी लोथे जंगल में पड़ी रही। पर जब जो है हम कहते हैं कि बहुत जो है 10-15 दिन का रास्ता था वहां से जो है कनान देश जाने का, लेकिन परमेश्वर ने उनको जो है जाने नहीं दिया। परमेश्वर उनको 40 साल तक जंगल में घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, जब तक वो मरे नहीं तब तक उनको घुमाता रहा, 40 वर्ष तक घुमाता रहा। क्यों? परमेश्वर के विरोध में उन्होंने बोला, मूसा के विरोध में उन्होंने बोला, और इसलिए परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर नहीं आई। और प्रभु ने क्या कहा? अब तुम्हारे जो वो मर गए तो उनके बच्चे जो अगली पीढ़ी थी वो अगली पीढ़ी उस कनान देश में प्रवेश करने पाई। आज आपके लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे घर रखे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी ओपनिंग्स आपके लिए है। आपको परमेश्वर वहां पे ले जाना चाहता है जहां कभी आप गए नहीं, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, विश्वास। यीशु मसीह पर विश्वास, विश्वास कर तो तू और तेरा घर ना उद्धार पाएगा। हालेलुया। वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमारी कमियां क्या है, हम विश्वास नहीं कर पाते प्रभु पर। हालेलुया। विश्वास करने का जब समय आता है तो हम विश्वास ही नहीं कर पाते। वैसे विश्वास के बारे में कितने भी बातें आप बताओ, विश्वास विश्वास बहुत बढ़िया बातें कर लेंगे। एक बार जो है दो बड़े बड़े जो है पहाड़ पे जो है रस्सी लगाई थी एक बंदे ने, और वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला था, और वो पैदल 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 वहां पे गया और पैदल 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 वहां पे आया, तो सब लोग ताली बजा रहे, देख रहे, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर उसने एक जो है ट्रॉली, उसको सिर्फ एक ही पहिया था, वो रस्सी पे लगा के उधर तक गया और फिर से लौटा के लाया। वाह 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 वाह, उसने कहा, मैं विश्वास, क्या आपका विश्वास है इस ट्रॉली में अगर मैं एक व्यक्ति को रख के जो है उधर से जाके फिर से ले आ सकता हूँ? बोले हाँ, हम विश्वास करते हैं। बोला कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। तो बोले आप में से कोई एक व्यक्ति आ जाओ, सब भाग गए। एक व्यक्ति आ, मैं आता हूँ। वो आ गया और उसने उसको वहां पे ले गया और फिर से लौटा के लाया। सब लोग वाह 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 वाह, ताली बजाने के लिए बहुत अच्छा है। तो विश्वास के लिए ताली बजाना तो बहुत अच्छे लगता है, लेकिन विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रभु हमें चाहते हैं कि हम विश्वास करें और विश्वास करके हम परमेश्वर की महिमा करें। यहां लिखा है प्रभु जो है इन लोगों ने विश्वास नहीं किया इसलिए वो प्रवेश ना कर सके। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें रखी है, लेकिन ये सारी आशीषें कब मिलेगी? विश्वास के द्वारा। विश्वास ये आपके लिए ऐसा दरवाजा खोलेगा, आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अविश्वास बहुत बड़ा पाप है ये, और ये पाप जब हम विश्वास नहीं करते, हालेलुया, आप जब प्रभु यीशु मसीह की बातों पे विश्वास नहीं करते, चंगाई के लिए विश्वास नहीं करते, आशीषों के लिए विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि मेरा बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, तो कैसे बढ़ेगा वो? नहीं बढ़ेगा वो। आप विश्वास करो कि प्रभु मेरा बढ़ेगा वो। हालेलुया। जितना मेरा टारगेट है डबल मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसे विश्वास करो आप। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो है एक वही लड़का जो वही बाप जो अपने पिता को लेके आता है और जो है अविश्वास उसके जीवन में भी अविश्वास। वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि उसकी दशा कब से है। उसने कहा बचपन से। उसने नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू
कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तो यदि कुछ तो प्रभु यीशु मसीह एकदम पकड़ लेता है उसी शब्द को। हाँ, यीशु ने उसे कहा तू यदि कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब यहां पे देखते हैं कि उनके आज अगर आपके पास भी अविश्वास है तो आपके अविश्वास के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है ये। और ये उसकी प्रार्थना देखो, अभी उस बाप की प्रार्थना बहुत सुंदर लगी मुझे। प्रार्थना, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया, कितनी सुंदर प्रार्थना। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं कंगाल बना था कि मेरे कंगाल हो जाएंगे तो तुम अमीर हो जाओ। तो कौन विश्वास नहीं करेगा? अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप अमीर नहीं होंगे। आप प्रभु परमेश्वर अमीर होंगे तो सिर्फ जो है आर्थिक रीति से नहीं, लेकिन आपके शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आपके सामाजिक रीति से, हर पहलू में प्रभु आपको जो है अमीर बनाना चाहता है। अरे कोई आमीन तो बोलो। हालेलुया, ये सच्चाई, ये वचन आपके लिए, ये वचन मेरे लिए। अब प्रभु हमको अमीर बनाएगा, अब प्रभु हमको ऊंचाई पे ले जाएगा। हालेलुया, यस। बाइबल में लिखा, और बाइबल में लिखा है कि जब हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वहां पर लिखा है कि तब यीशु ने देखा लोग दौड़ लगाकर भीड़ लगा रहे हैं, तब उसने अशुद्ध आत्मा को डांटा और कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा में तुझे आके देता हूं कि इसमें से निकल जा और उसमें कभी फिर प्रवेश ना कर। और वो एकदम तुरंत जो है वो लड़का खड़ा हो गया। यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया, चंगाई मिल गई उसको। ये सारी कैटेगरी हम देख रहे थे अविश्वासी लोगों की। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को बोल रहा था कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, और इस बाप को कह रहा था कि अविश्वास के कारण, अविश्वास, तुम्हारा अविश्वास। अभी हम अविश्वास से थोड़ा और एक सीढ़ी बढ़ जाते हैं, और वो सीढ़ी है जो है जब हम प्रभु के पास आते हैं तो एकदम डायरेक्ट हम बहुत पक्का विश्वास नहीं होता हमारा, हमारा थोड़ा सा कमजोर विश्वास होता है, हम जो है पूरा विश्वास नहीं कर पाते। तो उनको कहते हैं अल्प विश्वासी। प्रभु उनको क्या बोलता है? अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी मतलब क्या? थोड़ा सा विश्वास है, इतना ज्यादा बड़ा विश्वास नहीं है। उनके मन में एकदम संदेह आता है, उनके जो है हालेलुया बहुत दुखी हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 16 अध्याय और उसके 7 वचन में, वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझे कि उन 5,000 रोटी स्मरण नहीं करते, 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और ना कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटी, और ना कि कितने टोकरे उठाए थे। प्रभु कितना सुंदर उसका ये करते हैं, जो है जोड़ी लगाता है। काय की जोड़ी लगाता है प्रभु? 5,000 की लिखा ना वहां पे, 5,000 की 5 रोटी यहां लिखा है, और 4,000 की 7 रोटी। माय गॉड, मतलब 5,000 के द्वारा, 5 रोटी के द्वारा प्रभु ने 5,000 को खिलाया, और वो रोटी 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 कह रहे हैं। प्रभु कह रहा है, नहीं तुमको समझ में नहीं आता कि अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास अभी तक बढ़ा नहीं क्या? तुमने तो खिलाया था उन 5,000 को अपने हाथों से, भूल गए क्या? नहीं 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 प्रभु, भूलने भूलेंगे। हाँ, तो वो 5 रोटी 5,000 की, 5 रोटी मछली 2 खिलाया 5,000 को। याद है कैसे गाना ये ब्रदर? याद हम सुनाया करते, 5 रोटी मछली 2 खिलाया 5,000 को। सच में, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको याद दिलाना चाहता है, उनका विश्वास बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ 2400 घंटे थे चेलों के साथ, और प्रभु यीशु मसीह का यही काम था कि उनका विश्वास और बढ़ोतरी करें। प्रभु यीशु मसीह यही तक कह रहा था, उनका विश्वास और बढ़ाएं। आप भी अपने परिवार में हमेशा विश्वास की बातें कहना। जो विश्वास करने वाला होता है ना, उसके शब्द बहुत अलग ही होते हैं। जो विश्वास करने वाला होता है ना, उसके शब्द हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। वो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करेगा बंदा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है।
विश्वास के द्वारा वो ठस ठस के विश्वास भरा है, इसलिए जो है वो हमेशा आगे अच्छी तरह बात करेगा। हालेलुया, विश्वास का व्यक्ति वो कभी भी संदेह नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि ए, याद है तुमको 5,000 की 5 रोटी, याद है तुमको 4,000 की 7 रोटी और कितनी टोकरियां उठाई थी आपको बताइए, बताया आपको? हाँ प्रभु, हमने तो याद है। हाँ, तो फिर अभी जो है अविश्वासी ना, प्रभु यीशु मसीह उनको वो बोलता है हे अल्प विश्वासियों। आज प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो अल्प विश्वास के कारण वो हमारे जीवन में कर नहीं पाता। क्यों? आओ हम प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरे पर विश्वास करूंगा और मैं प्रभु तेरी इच्छा को प्रभु पूरा करूंगा। प्रभु जी, ज्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए, वो देना ये ड्रेस वो ड्रेस। देखो ना, कितने साल हुए तुमने साड़ी नहीं पहनी, इससे साड़ी ले आओ मेरे घर। लोग कहते हैं कि मुझे शर्ट चाहिए, मुझे तो पैंट नहीं शर्ट भी चाहिए। घर में थप्पी लगी है साड़ियों की, घर में थप्पी लगे हैं शर्ट पैंट की, कोट सूट वाह 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 वाह, लेकिन मन अभी तक भरा नहीं। और एक साड़ी और एक सूट और एक चीज। हालेलुया, ओ माय गॉड माय गॉड। अब ये तो क्या, जो दो दो तीन तीन चार चार कपड़ भरे, क्या करें इसका? हाँ, यही तो बात है, देने की भी इच्छा है, लेकिन जो है मुझे और एक साड़ी चाहिए, और एक सूट चाहिए, और एक चाहिए। ओ माय गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। बाइबल में यानी हमें बाइबल पढ़े पढ़ा, मत्ती उसके 6:27 तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, मैंने तो परिश्रम करते हैं न कातते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में भी उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुमको वहां पे क्या लिखा है, हे अल्प। हाँ, तो जो कपड़े मांगते हैं वो कौन है? हेलो, अरे भाइयों जोर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए फायदा बोल रहा हूँ। बहनों आप भी बोलो यस। हालेलुया, नहीं नहीं, जब आप कपड़े मांगे तो अल्पविश्वासी नहीं है, आप मांग सकते हैं, आप ले सकते हैं, अपनी इच्छा से आप पहन सकते, कोई चिंता नहीं, कोई विरोध में नहीं हूँ आपके। हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अल्पविश्वासियों, आगे क्या लिखा है, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? हालेलुया, तुमको वो मतलब जरूर पहनाएगा वो तुमको। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारी मन पसंद सूट पे रहेगा, मन पसंद शर्ट पहनाएगा, तुम्हें जो चाहिए वो सब पहनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उनका तो पुराना हो गया, वो दे दे किसी को। हालेलुया, गरीबों को जो बेचारे कुछ है नहीं उनको दे दो। हालेलुया, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें पहनाऊंगा। हालेलुया, जब मैं बच्चा था तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का जो है शौक था। हालेलुया, तो मुझे इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन देते, प्रभु देता था, मैं बहुत खुश होता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मेरा उतना शौक जो है वो अभी नहीं है। हाँ, कम से कम मतलब ठीक है, मिलता है तो ठीक है। अब वो जो इतने सारे सूट पड़े हैं उन्हीं को इस्तेमाल करूँ मैं, जितने सारे जो है सफारी है उन्हीं को इस्तेमाल कर लूँ तो वही काफ़ी हो जाएगा। हालेलुया, तो प्रभु कहता है कि है अल्प विश्वासियों, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन रहते हैं इतनी खोज में? हेलो, अपनी जाति के लोग तो नहीं ना, दूसरे लोग। हेलो, विश्वासी लोग तो नहीं ना, नहीं। पक्की बात? अरे कोई बात नहीं, शाम बैठ के एकदम बैटरी डाउन। अन्य जाति के लोग, बाइबल में लिखा है कि जो है अन्य जाति के लोग इन सब वस्तु में खोज कर रहते हैं। अन्य जाति के लोग, अरे बोलो ना आगे, तो बोलो, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, अन्य जाति के लोग। हाँ यस, अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की, कौन सी इन वस्तु, मतलब शर्ट पैंट, हाँ टाई, और क्या होता है, और हाँ मोबाइल, और ये सब जैसी चीजें, और क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, है ना, इसके बारे में जो है सब अन्य जाति के लोग रहते हैं।
फिर ये अपने जाति के लोग क्या करते हैं? पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है, इसलिए पहले तुम उसके, हाँ क्योंकि अन्य जाति सब वस्तु, तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए। प्रभु को पता है कि तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो देगा वो, माता पिता के द्वारा भी देगा, कैसे भी देगा वो, हालेलुया, शर्ट पैंट देगा आपको, अच्छा सूट देगा, माता पिता के द्वारा देगा, कैसे भी देगा, प्रभु वो प्रभु का टेंशन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस। सिस्टर जॉली तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के आती है हर संडे, क्यों बताया गया? क्योंकि हर शादी पे एक नई साड़ी मिल जाती है, हर शादी जो है एक नई साड़ी, फटाक से भैया सिस्टर जॉली ये साड़ी पहनना शादी में, अरे बाप रे, और वो जो है वो पहन जाती है। अब क्या करे, इतनी सारी साड़ियां हो रही तो जो है पहनना पड़ता है, देते हैं तो लोग बुरा मानेंगे नहीं तो ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि वो अपने प्रियों को कपड़े पहनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस। एक बार स्तुति भेंट पड़ी, एक साड़ी आ गई क्या बात है, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास प्रार्थना की एक शर्ट आ गया, अरे वाह, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम इनके बारे में अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन प्रभु परमेश्वर पहनाता है। हे आलोए अल्प विश्वासी, और तुमको क्यों ना पहनाएगा, अल्प विश्वासियों को भी पहनाएगा, और विश्वास में जो पक्के उनको भी पहनाएगा, और अविश्वासियों को भी पहनाएगा, पहनाएगा नहीं पहनाएगा, हाँ। अविश्वासियों के कपड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं आजकल, लेकिन जो है विश्वासियों को वो पहनाएगा, और अल्प विश्वासियों को भी पहनाएगा, हालेलुया, वो सबको पहनाएगा। ताली बजाओ उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, ऐसा लग रहा है कि आपको उनको प्रभु कपड़े पहनाता नहीं। यहां पे लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, हालेलुया। पहले क्या करना है, स्तुति भेंट, प्रार्थना, बाइबल, और सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना है। आपके घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है क्या? अगर है तो उसके ऊपर हाथ रखो। कोई सुधरा हुआ बच्चा है क्या? तो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। कौन सा बच्चा है, कैसे बेटी है, कैसा बेटा है, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर बदल देगा। अरे कोई आमीन तो बोलो, हालेलुया, यस। परमेश्वर सहायता करेगा, वो बच्चा आपके घर में काम करना शुरू करेगा, आपके मम्मी पापा को मदद करना शुरू करेगा। आमीन आमीन बोलो, आमीन आमीन, यस यस यस। माता पिता को बहुत जोर से आमीन आ गया, हालेलुया। और ऐसे हो, ऐसा ही हो, हालेलुया। बाइबल में लिखा है तो हालेलुया, इसे तुम चिंता करके ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, पहली बात हमने देखी थी अविश्वासी, अभी अल्प विश्वासी देख रहे हैं, ये अल्प विश्वासी, हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे नाव में, और प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, और सोते 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 एकदम क्या आ गई, आंधी तूफान, इतनी बड़ी बड़ी लहरें जैसे अभी जो है वो नाव को दबाई देगी, और वो चेले डर गए, और वो कहने लगे, प्रभु यीशु तुझे तैरना आता है क्या? प्रभु यीशु ऐसा कहा था क्या? प्रभु यीशु मसीह कैसे करे अब जो है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इतना छोटा समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह को तैरना नहीं आता कि नहीं आता। खैर ये तो मेरी बात है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, देखो बाइबल में लिखा है कि उसके चेले उसके पीछे बोलिए, और देखो झील में कैसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढक गई, और वो सो रहा था, और तब उन्होंने पास आकर जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। तब यीशु ने उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, फिर से लेबल लगा दिया प्रभु ने, हे अल्प विश्वासियों, मतलब विश्वास में थोड़े कम हो तुम, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे, कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। क्यों? यहां पे हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बहुत छोटा समझ लिया होगा, उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह अभी उठ के डांटेगा और आंधी थमेगी और लहरें थमेगी और सब कुछ शांत हो जाएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आपके लिए भी ये वचन है, आप भी कभी सपने में सोचते नहीं, हालेलुया। जब कोई भी परेशानी आती है अपने बॉस के पास भागते हो, परेशानी आती है अपने मम्मी पापा के पास भागते हो, परेशानी आती है अब कोई कहां से मुझे मदद मिलेगी, वो उससे मदद मिल सकती है, इससे मदद मिल सकती है, ये बंदा कर सकता है, ये बंदी कर सकती है,
पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। याद रखिए, आप इधर उधर मत भटकिए, आपको सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने वायदा किया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह वहां पे उठ के खड़े हो गए। अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सब शांत हो गया, फिर आंधी पानी को लहरों को डांटा और सब शांत हो गया। आप भी प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु सहायता करो। ये लोग अचंभा करके कहने लगे, कैसा मनुष्य है, हालेलुया। और पानी और आंधी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तैरने की जरूरत नहीं पड़ी, हालेलुया। ना ही चेलों को पूछने की जरूरत पड़ी, प्रभु तुझे तैरना आता कि नहीं आता, हालेलुया। सारा भूमंडल मेरे प्रभु यीशु मसीह का है और सब आज्ञा पालन करते हैं। सारी दुनिया की एक एक चीज प्रभु यीशु की आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन कौन आज्ञा पालन नहीं करता है, वो है मनुष्य। कौन विश्वास नहीं करता है, वह मनुष्य। लेकिन आप उन लोगों के बीच में मत रहो जो अल्प विश्वासी है। फिर अगला स्टेप और बढ़ेंगे हम विश्वास में। अब ये विश्वास में अगला स्टेप ये है कि हमारा कौन सा विश्वास जो है, बढ़ने वाला विश्वास। पहले अविश्वासी थे, फिर अल्प विश्वासी हो गए, अभी अल्प विश्वास से क्या हो गए, बढ़ने वाला विश्वास। क्या पता थी बाइबल उसमें, देखिए आप पढ़े हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों क्यों पहला अध्याय का 13-13 वचन, हे भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये थिस्सलुनीकियों के बारे में प्रभु का दास कहता है कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है। कितना जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। पहले तुम अल्प विश्वासी थे, पहले तुम भरोसा नहीं कर सकते थे प्रभु पर, लेकिन आज आज तो तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। विश्वास क्यों बढ़ता है बताओ पहले। शाबाश, वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तब आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे लाल समुद्र कैसे दो भाग हो गए, आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप सुनेंगे कैसे यर्दन उल्टी बहने लगी, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आप जब देखेंगे कैसे जो है लाजर जो है 4 दिन से जो है कब्र में पड़ा था और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, आपका विश्वास बढ़ेगा। कैसे याइर की बेटी मर गई थी और प्रभु ने उसको जिंदा कर दिया, आपका विश्वास बढ़ेगा। वचन पढ़िए, वचन पढ़ने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको जो है जो चाहे वो आपको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यस, जो आपको चाहे वो सब मिल जाएगा आपको। बाइबल में लिखा है ये बढ़ता हुआ विश्वास के बारे में। आज हमारा विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास हो, एक रुकने वाला विश्वास ना हो। बस इतना डिग्री आ गया है, बस यहीं पे रह जाएंगे, बस इतनी प्रार्थना काफी है, बस इतनी दुआ काफी है, बस जो है इतने स्तुति भेंट काफी है, बस इतना एक आज एक व्यक्ति को प्रचार किया काफी है। ना, बढ़ता हुआ विश्वास, हालेलुया, बढ़ता हुआ विश्वास हमारे होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 10:15 वचन, और सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है, मेरे पीछे बोलिए कृपया, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपने सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। तुम्हारा विश्वास जो जो बढ़ता जाएगा, हम भी त्यों त्यों बढ़ते जाएंगे। आप जब घर में कोई विश्वासी व्यक्ति है तो उस विश्वास के कारण जो है आपके परिवार के लोग भी विश्वासी बन जाते हैं। हालेलुया, आपके विश्वास के कारण आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पति पत्नी विश्वास में अपने आप आएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे अन्य जाति के लोग मैं देखता हूं, उनके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है प्रभु का, और वो जब भी प्रॉब्लम आती है वो एकदम प्रार्थना कराते, प्रार्थना करा ले, प्रार्थना कर,
इस बात के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे प्रभु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जैसे समस्या आती है भाई प्रार्थना करो प्रार्थना करो। उनको पता है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा क्यों त्यों अपनी सीमा के अनुसार, हालेलुया, हम भी बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है बाइबल की, और वो प्रार्थना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी प्रार्थना है। हालेलुया, लुका 17 अध्याय का 5 वचन, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। आज हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। हालेलुया, आपके हर एक सपने प्रभु के विश्वास के द्वारा पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, विश्वास का चेक काटिए और आपके सारे मनोरथों को पूरा करें। आप जैसे मांगोगे वैसा ही होगा, जैसे मांगोगे वैसा ही होगा अगर आपके पास विश्वास है। जैसे मांगोगे, कहां लिखा है, लिखा है सर, पढ़ा है, पढ़ो पढ़ो, कहां लिखा है, पढ़ो, जैसा लिखा है वहां वैसे मिलेगा। मत्ती 15 अध्याय और उसके जो है 22 वचन में, अब देखो उस देश में कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। उसने उसे उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उसे विनती करके कहा इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया इज़राइल की घराने को कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर, और उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं। ओ माय गॉड, प्रभु ने क्या कहा स्त्री से, लड़कों की रोटी लेकर, मतलब जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रभु ने उस औरत को क्या कहा, कुत्ते। लेकिन इस औरत का कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया, आजकल बहुत सारे लोगों का ईगो प्रॉब्लम है, उनको घुटने टेकने के लिए बोले तो अरे क्या घुटने टेकने, तो अपने सामने घुटने टेकवा रहा है। और जैसे किसी को बोलो भैया मेरे पापा को क्षमा कर, बोल ना मैं नहीं बोल सकता, मैं पापी होने कब पापी क्या मैंने। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम, अपने हमको पापी समझते तुम क्या है, तुमको बड़े पवित्र हो, इस प्रकार की बातें उनकी। लेकिन यहाँ पे इस औरत की बात है, उसको उत्तर देखो, अब वो आई और प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने कहा जो है, उसने कहा सत्य है प्रभु कुत्ते भी वह चुरचार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करने वाला है प्रभु। अरे ताली बजाओ इस बात पे, हालेलुया। लेकिन कब, प्रभु ने कहना चाहिए तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, कौन से मनोरथ तूने सजा के रखे है वो सारे मनोरथों को मैं वैसे करने जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि तेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, तू बहुत सुंदर है, तेरे पास प्रॉपर्टी है, इसलिए नहीं तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, आज हमें विश्वास चाहिए प्रियो, आओ हम विश्वास की बढ़ोतरी में जाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो, इधर से इधर कोई भी थोड़ा बहुत इधर फर्क ना पड़े, जैसा तू चाहती हूँ वैसा ही तेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर करे कैलवरी चर्च के जितने सारे लोग सुन रहे हैं उन सबों के लिए मेरा वचन है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे लिए यीशु के नाम से हो जाए। आमेन, हालेलुया। और आखिरी बात, आखिरी स्टेप विश्वास की, हालेलुया। और वो आखिरी स्टेप कौन सी बताए, जो है दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, अटल विश्वास। जो है बड़ी बड़ी चट्टानी होती है समुद्र में, उसके ऊपर कितना भी जोर से लहरें आके गिर जाती है लेकिन वो चट्टान टस की मस नहीं होती, जय के वही रहेगी वो। हालेलुया, हम यीशु नाम चट्टान पे खड़े हैं प्रियो। हालेलुया, बाइबल में लिखा है जंगल में वो चट्टान उनके आगे आगे चली। हालेलुया, और वो चट्टान यीशु मसीह। हालेलुया, आज हमें वो चट्टान मिली है और इस विश्वास को दृढ़ता में रखना है। रोमियो 14 अध्याय का 20 वचन, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की, यहां पे मैं बता रहा हूं ये अब्राहम के बारे में,
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा। कितने साल तक प्रभु कहता रहा उसको? 100 साल तक बोलता रहा, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा। 100 साल तक बच्चे नहीं, बताओ। लेकिन उसने प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। हालेलुया। आज आपको प्रभु कोई प्रतिज्ञा करेगा और उन पर आप विश्वास करो। बाइबल में लिखा, उसने रोमियो 4:18 उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। उसने देखा कि अभी जो है ये मेरी पत्नी ऐसी हो गई है जिसको कोई बच्चा नहीं आ सकता, मैं भी ऐसा हो गया, मेरा भी कोई बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन उसने जो अपने शरीर के और वो सारे मरी हुई दशा को देखकर वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। आज आपके पास पैसा नहीं, इसका मतलब ये मत सोचो कि परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा नहीं करेगा। आप अपने विश्वास को दृढ़ करो। बाइबल में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की उसने। हालेलुया, ताली बजाओ प्रभु के लिए। और परमेश्वर ने उसको ईसा दे दिया। हालेलुया। निश्चय उसने जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा प्रभु ने की है उसे पूरे करने की वह सामर्थ्य है। इस कारण क्या लिखा है? विश्वास, कि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आपका विश्वास आपके लिए धार्मिकता गिना गया जाएगा। आप जो दशमांश चढ़ाते हो, आप जो उठाने वाली भेंटे चढ़ाते हो, आप जो पूरा पूरा दशमांश देते हो, उसका तो वो तो धार्मिकता है ही आपकी, और उसके प्रतिफल आपको जरूर मिलने वाला ही है। लेकिन आप जो विश्वास करोगे ना, विश्वास के लिए कोई पैसा जुड़े लगता भाई, इना के लिए उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया और उसको परमेश्वर ने इंसाफ दे दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए आपका विश्वास देख रहा है कि आप कितना विश्वास कर सकते हो, कितना बड़ा विश्वास है। और सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास के साथ पवित्र रहना, सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रचार करना, सेवा करना। हालेलुया। प्रचार भी उसी में आता है। अगर आप विश्वास करते तभी तो प्रचार कर सकते, नहीं तो प्रचार नहीं कर सकते। और परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, ऐसे बाइबल में लिखा है। फिलिप्पियों 1 और उसके 25 वचन, और इसलिए कि तुम मुझे इसका भरोसा है कि मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, और जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और इससे आनंदित हो। फिर से एक वचन, फिलिप्पियों 2:7, और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। कितना सुंदर वचन। एक आखिरी वचन मैं बता के बंद करना चाहता हूं, वो ये है, हालेलुया, 1 Petrus 5:8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। शैतान का सामना करने के लिए बताया जाता है। हालेलुया। बहुतों के परिवार को शैतान फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए आपको ज्यादा बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, आपको ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आपको ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता है। आपने प्रचार करना बंद कर दिया है, आपने लोगों को चर्च में लाना बंद कर दिया है। प्रभु कहता है कि उनको लाओ, हालेलुया, बरबस ले आओ और रास्ते पे लेके आओ, प्रचार करो, उनको चर्च में ले आओ। हालेलुया। तब आपका विश्वास और बढ़ेगा प्रियो। हालेलुया। तब आपके जीवन में परमेश्वर का रिवाइवल आ जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, लेकिन कैलवरी चर्च किसी भी व्यक्ति को फाड़ ना खाए, जो जो सुनने वाले हैं किसी को भी फाड़ ना खाए, लेकिन आप अपने आप को यीशु के लो में ढाल लो। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते पिता प्रभु। तूने हमको अविश्वासी से विश्वासी, अविश्वासी से प्रभु जी हमें अल्पविश्वासी बनाया, अल्पविश्वासी से तूने हमें बढ़ता हुआ विश्वास दिया, और अब प्रभु परमेश्वर तुम्हें दृढ़ विश्वास देने जा रहा है पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी ये स्टेज आगे बढ़ते जाए और ऐसा दृढ़ विश्वास दे चट्टान की नहीं, कि कोई हमें हिला ना सके प्रभु तेरे वचन से, कोई हिला ना सके प्रभु जी। हम हर रोज सुबह परमेश्वर पिता बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, हमें बताने की जरूरत ना पड़े प्रभु जी। हे प्रभु जी हमारी सहायता कर, हम वचन का प्रचार करते रहे प्रभु जी, किसी को बताने की जरूरत ना पड़े पिता प्रभु जी। हे प्रभु जी हमारी शर्म, हमारा डर, हमारी झिझक दूर कर, बड़े ठाड़स के साथ
तेरा वचन प्रचार करने के लिए सहायता कर, और प्रभु तेरे विश्वास में और दृढ़ होते जाए प्रभु जी। हालेलुया, हम प्रभु सिंह के नहीं निडर रह के उस विश्वास में बढ़ते जाएंगे प्रभु जी। शैतान हमारा क्या कर सकता है? यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दिया उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों करना देगा? प्रभु जी जैसा इन लोगों ने प्रभु सोचा है वैसा ही उनके लिए हो, क्योंकि विश्वास करने के लिए तैयार है प्रभु तेरे लोग। हालेलुया, उनको आशीषित कर। इनके पास हो सकता है पैसा ना हो, मैन पावर ना हो, कोई प्रभु परमेश्वर पिता और कोई पावर ना हो, लेकिन आज उनके लिए होली स्पिरिट पावर मांग रहा हूं पिता परमेश्वर। उनके सारे मनोरथों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास बढ़ाने के लिए सोचा है प्रभु जी। और वे प्रचार करेंगे और तेरी महिमा करेंगे। सारे बलवान दुष्टात्मा जो उनके विरोध में आती है यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं। हर एक जन को मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, विश्वास बढ़ाने के लिए धन्यवाद, विश्वास की बातों में आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ जितने भाई बहन ये प्रार्थना सुन रहे हैं, ये वचन सुन रहे हैं, उन सबों के साथ, हमारे सारे रिश्तेदारों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। शालोम, शालोम, शालोम।